Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 17 अक्टूबर 2019 थर्सडे सुबह के 7:50 हो रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का। कल हमने देखा डेली चार्ट में फिर से एक बार दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है तो काफी वोलेटाइल भी मार्केट हो सकता है, और जैसे कि कल फिर से दोजी कैंडल हमें देखने को मिल रहा है तो आज एक बड़ी मूव आ सकती है। सो बी कॉशियस रहिए ट्रेडिंग करते वक्त। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आरसीआई पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,445 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,411। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी जब ओपन हुआ तो हमारे फर्स्ट टारगेट के पास ही ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहां पर कोई ट्रेड नहीं बनता। जैसे ही ये ऊपर सेकेंड टारगेट के पास रेजिस्टेंस लेके टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और फिर से जब इसने बाउंस बैक दिखाया तो ब्रेकआउट लेवल हमारा ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,464 यहां पर अचीव हुआ, और उसके बाद ये कई समय यहाँ पर ये इस लेवल को ही ये पेनेट्रेट कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, हर्डल बना ये लेवल, और इसके बाद फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने फिर से सपोर्ट टेस्ट किया। तो काफी वोलेटाइल मार्केट था कल का, लेकिन हमारे इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स की सबसे अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक लाल निशान में बंद हुए, और यूरोपियन मार्केट भी देखे तो लंदन मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिला, वहां पर ब्रेक्सिट का थोड़ा इश्यू चल रहा है। और एशियाई मार्केट देखे आज तो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हल्की सी बढ़त है। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर की तो 13 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, अगर आपने हमें मंडे से अगर फॉलो किया, अगर मंडे का वीडियो आपने देखा होगा तो यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्शन किया था। अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो हमने ये हाई ये लो और इस हाई को पकड़ के यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए प्रोजेक्शन किया था, और अगर अप ट्रेंड आता है क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ था लास्ट वीक, तो हमने इस लो इस हाई और इस लो को पकड़ के ये फिबोनाची एक्सटेंशन का प्रोजेक्शन यहाँ पर किया था। तो इसका 38.2% का ये जो लेवल है 11,481, कल एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया, कल का हाई 11,481, तो काफी एक्यूरेट साबित हुआ ये लेवल। अभी इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हमें 11,602 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक थी 400 पॉइंट की थी करीब करीब, ये वीक में 400 पॉइंट की गिरावट थी। उसके बाद 50 EMA का यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके फिर से ये रिकवरी दिखा रहा था, बाउंस बैक दिखा रहा था, तो अभी 400 पॉइंट की फिर से यहाँ पर ये रिकवरी आई है, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट प्रीवियस स्विंग हाई के पास आ गया, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है यहां पर डबल टॉप फॉर्मेशन क्रिएट हो, नहीं भी हो सकता है ये एनालिसिस कर रहा है, प्रोबेबिलिटी है। अगर यहां से ये रेजिस्टेंस फेस करता है टूवर्ड साउथ की तरफ आता है यहां पर ऐसे, तो ये जो नेक लाइन बनेगा ये यहाँ से जो स्विंग लो पकड़ के बाउंस बैक हुआ था, अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से डाउन साइड मूव देखने को मिल सकती है। हमने डेली चार्ट में देखा था, ये रहा डेली चार्ट, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर हमने डबल टॉप फॉर्मेशन देखा था, और इसका जब ये नेक लाइन ब्रेक हुआ यहां से लेके यहां तक नेक लाइन ब्रेक हुआ तो हमें यहां से डाउन साइड देखने को मिला, और फिर से यहां पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन यहां पर ये ब्रेक नहीं हुआ, ये जो टॉप था ये फिर से यहां पर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ नहीं आया, ये ऊपर ब्रेक हुआ ये जो प्रीवियस टॉप बना था, और फिर हमें यहां से अपसाइड मूव देखने को मिला।
उसी तरह सेम पैटर्न अभी यहां पर बन रहा है, हो सकता है डबल टॉप फॉर्मेशन बने या फिर ये अगर स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो और भी यहां से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो ये था वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में कल देख सकते हैं आप कि डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। डोजी की हम कई दिनों से बात कर रहे थे, हर एक दो दिन के बाद डोजी फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है और उसके नेक्स्ट डे एक जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। तो अभी यहां पर ये थोड़ा सा लॉन्ग लेग टाइप का डोजी फॉर्मेशन हुआ है, नीचे की तरफ इसने टेल छोड़ दिया है। तो अगर ये 11,481 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो फिर से यहां से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकता है और ये जो मूविंग एवरेज इसका ये जो क्लस्टर है यहां पर ये मिक्सअप हो रहा है, यहां पर सपोर्ट हमें फिर से एक बार टेस्ट करता हुआ निफ्टी इंडेक्स दिखाई दे सकता है, यानी ऑलमोस्ट 11,300 के पास अभी 20 ईएमए का मूविंग एवरेज है और 100 ईएमए का मूविंग एवरेज है। तो अगर यहां से टूवर्ड साउथ की तरफ भी मूव होता है तो 11,300 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। तो यह डेली चार्ट का सिनेरियो और वीकली चार्ट का सिनेरियो। इस समय हमने फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट किया, हर एक लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल अचीव होते हुए दिखाई दे सकती है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर देखें तो डोजी फॉर्मेशन था, तो अगर ये कल का हाई अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली, यानी 11,481 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बनेंगे और तभी हमारा क्विकली टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल 11,493। ये काफी जल्द एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है R1 का, तो एक छोटा सा यहाँ पर टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट होगा हमारा 11,512, क्योंकि यहां से देखिए यहां से ये फॉल आया था तो यहां पर सेलिंग प्रेशर बन रहा है 11,512 के पास, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है लास्ट हाफ एन आवर का, ये अगर ब्रेक करता है यानी 11,437 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम सेल पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,422 जो कि S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया है, ये फर्स्ट टाइम, ये कल सेकेंड टाइम, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 20 ईएमए का पिंक लाइन है, ये अराउंड 11,407 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।